गुस्सेल, एग्रेसिव और खतरा और बैक पर वो तुरंत अटैक करेगा। जब इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जब ये कहीं बैठा होता है। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो हर बार की तरह आज भी कुछ सांप हमने रेस्क्यू किए थे, हमारी टीम ने अलग अलग दिशा में अहमदनगर में हमने सांप रेस्क्यू किए हैं। कल रात भी कुछ लगभग 3-4 सांप रेस्क्यू किए, उसमें हमें 3 रसल स्वाइपर, एक कोबरा मिला। आज सुबह हमने 2 सांप रेस्क्यू किए और वैसे तो बहुत सारे सांप मिले हैं, देखते हैं कौन से सांप है। और ये वीडियो खास स्पेशल बना रहा हो भारत देश के जो 3-4 जहरीले सांप होते हैं, जैसे कि रसल स्वाइपर स्नेक, कोबरा स्नेक, कॉमन क्रेब स्नेक, स्वास्किल्ड वाइपर स्नेक। इन चारों सांपों के बारे में सही सही जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले हमने जो सांप रेस्क्यू किए बिना जहर वाले वो रिलीज़ करेंगे, और जो भारत के सबसे जहरीले सांप हैं, मोस्ट वेनमस स्नेक इन इंडिया, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल कोबरा स्नेक की तरह दिखता है, दिखने में हल्का सा लाल ब्राउन कलर में दिखाई देता है, नीचे से हल्का सा पीला और पूरा सफ़ेद दिखाई देता है। ये बैंडेड रेसल स्नेक है। जब ये छोटा होता है तो इसका एक फ़ोटो भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब ये छोटा होता है तो उसके ऊपर वाइट लाइनिंग दिखाई देती है, जब ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसके ऊपर जो लाइनिंग है छोटे छोटे, जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, वो सब धुंधले होकर इस तरह ये ब्राउन दिखाई देता है, हल्का सा लाल ब्राउन दिखाई देता है। महाराष्ट्र में इसे धूल नागिन नाम से जानते हैं। नागिन सांप अलग है, धूल नागिन इस सांप का महाराष्ट्र में नाम है, और इंग्लिश में बैंडेड रेसल स्नेक। पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया कि नाग नागिन ऐसा कुछ होता नहीं। नाग एक सांप है और नाग की प्रजाति में नर और मादा होते हैं। नागिन किसी सांप का नाम नहीं। धूल नागिन एक सांप का नाम है जिसे हम महाराष्ट्र में धूल नागिन नाम से जानते हैं, जो मेरे हाथ में है। इसे मैंने बताया कि इंग्लिश में बैंडेड रेसल स्नेक। तो दोस्तों, अभी इसको हम रिलीज़ करते हैं। ये बिना जहर वाला सांप है, जहरीला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कोबरा स्नेक की तरह। ये अपना फन नहीं उठाता, ये खानाधारी सांप नहीं है। तो इसको हमने रिलीज किया, एक कोबरा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 कोबरा स्नेक, और भी इसमें रसल स्वाइपर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही गुस्सेल, एग्रेसिव और खतरा महसूस होने पर इस तरह ये अटैक करते हैं। आप देख सकते हैं बैक का उसको खतरा महसूस होगा और बैक पर वो तुरंत अटैक करेगा। जबरन कभी भी कोई सांप काटता नहीं, जब उसके ऊपर पैर गिर जाता है, गलती से हम उसके ऊपर पैर दे देते हैं तब ये काटता है, और जब हम सांपों को गलत तरीके से पकड़ेंगे तब ये काटेगा, और जब इसके साथ हम कोई छेड़खानी करेंगे, जब ये कहीं बैठा होता है उसके पास हम जाएंगे तब ये ज़रूर काटेगा। इसलिए सावधान रहे। इस मौसम में रसल स्वाइपर निकलते हैं ज़्यादा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सांप जहरीले होते हैं, कोबरा स्नेक जहरीले होते हैं। इनका इंग्लिश में जो नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इंग्लिश में और नाम है जैसे कि कॉमन कोबरा भी कहते हैं, इंडियन कोबरा भी कहते हैं, और साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा। जहरीले सांप है, इनमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, और ये जहर इतना खतरनाक है कि एक बूंद जहर से लगभग 20 से 25 लोग मारे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सांप काटने पर एकमात्र इलाज होता है एंटी वेनम। जब ये बाइट करता है तो इसका एक ही इलाज है एंटी वेनम, और वो कहाँ मिलेगा? अस्पताल में, बड़े जो अस्पताल है वहाँ पर हमको एंटी वेनम मिल जाएगा। इसलिए सांप काटने के बाद एकमात्र इलाज हॉस्पिटल में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओझा बुनी झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहे, ऐसे बहुत लोग मारे जाते हैं जो मांत्रिक बाबा होते हैं। मांत्रिक बाबा के पास लेकर जाने के बाद वो क्या करता है, उनको पता चलता है उसको जहरीला सांप काटा है या बिना जहर वाला। बिना जहर वाला सांप काटता है तो उसका वो झाड़ फूँक मंत्र तंत्र झाड़ देता है और कहता है कि ये बच जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। और उनको पता चले ये जहरीला सांप काटा है, तुरंत बोल देता है कि इसको अस्पताल में ले जाए। तो देखा आपने दोस्तों, कितना एग्रेसिव गुस्से वाला ये कोबरा।
कोबरा स्नेक और रसल स्वाइपर तो बहुत ही गुस्सेल होते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इन दोनों को रिलीज करते हैं। मैंने बताया भारत देश की जो जो चार सांप है जहरीले, उनमें से कोबरा स्नेक देखिए दोस्तों किस तरह ये पर्यावरण की ओर चला जा रहा है। पहला सांप हमने आपको दिखाया जहरीला, कोबरा ये रिलीज कर दिया, और दूसरा जो है भारत देश का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेट स्नेक, दिखने में सबसे छोटा दिखने वाला कॉमन क्रेट, रात के वक्त ये ज़्यादा निकलता है, लेट नाइट मूवमेंट करने वाला ये सांप, रात के समय ही बाहर निकलता है, और इतना ही नहीं शिकार करने के लिए अपने घर में आ सकता है, और शिकार करने के बाद या शिकार करने से पहले अपने बिस्तर तक चला आ सकता है, और ये बिस्तर में आने के बाद जब हम करवट बदल लेते हैं इसके ऊपर दबाव पड़ जाता है और ये काटता है, ऐसे नहीं काटता, जब इसके ऊपर दबाव पड़ जाएगा तब ये काटेगा। तो आप ध्यान से देखिए इसको किस तरह दिखता है, पूरा ब्लैक है, जिस तरह हमारे बाल है काला दिखाई देता है, और गर्दन से लेकर ध्यान से देखिए 1-2-3 इंच छोड़कर उसके ऊपर व्हाइट पट्टे दिखाना शुरू होते हैं, दोहरे जोड़ी में पूंछ की नोक तक वो दिखाई देते हैं, और बहुत से लोग इसको छोटा समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको काट लेता है। ये बहुत ही जहरीला सांप है, इसका काटा बचना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे खतरनाक सांप को पकड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, चाहे ये कितना भी छोटा हो, लगभग ये 8 इंच तक भी अपने घर के आसपास इसके बच्चे भी दिखाई दे सकते, इसका बच्चा भी हो तो वो भी जहरीला ही होता है, 2-2.5-3 फीट तक हम अपने घर के आसपास घर में दिखाई दे सकते हैं, बारिश के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इसको रिलीज़ करेंगे। नाम मैंने बताया इसका कॉमन करेट स्नेक, हिंदी में इस सांप को करेट कहते हैं, मराठी में मान्यार। तो दोस्तों इसको रिलीज़ किया, लगभग हमने 2 जहरीले सांप और 1 बिना जहर वाला सांप रिलीज़ किया था, और एक सांप भारत देश का सबसे खतरनाक सांप, रसल स्वाइपर स्नेक, इसके बारे में स्पेशल जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये सर्दी में निकलता है, अभी सर्दी का मौसम है फिलहाल, तो ये सांप बहुत ही ज़्यादा निकल रहे, लगभग हमने एक हफ्ते में 20-25 से भी ज़्यादा रेस्क्यू किए, कल रात 3 रेस्क्यू किए थे, काफ़ी खतरनाक। तो देखिए दोस्तों एक रिलीज कर दिया है, दिखाने के लिए एक मैंने हाथ में पकड़ रखा इसको, अभी इसको भी यहाँ पर मैं रिलीज करूँगा, इसको रिलीज कर दो। बहुत ही गुस्सेल थे दोनों, उसको रिलीज कर दिया, और ये आपकी जानकारी के लिए ये हाथ में पकड़ रखा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह दिखता है, ऊपर से इसके ऊपर जिस तरह चैन है उसी तरह धब्बे दिखाई देते हैं, हल्के से काले, कभी कभी डार्क काले कलर में दिखाई देते, ब्राउन कलर में दिखाई देते, हल्के से पीले कलर में दिखाई देते, और उसके ऊपर वाइट कलर में बॉर्डर दिखाई देती है, मुँह उसका मेंढक के आकार की तरह दिखता है, जिस तरह मेंढक हो, ध्यान से देखिए। इस सांप का नाम है रसल स्वाइपर स्नेक, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, हिंदी में चित्ती, नाम याद रखिए हमेशा, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, हिंदी में चित्ती, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में इसे घोनस नाम से जानते हैं, बहुत ही खतरनाक सांप है, जहरीला है, इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम इसको रिलीज करते हैं यहाँ पर। दोस्तों मैंने बताया कि जहरीले सांपों में ऐसे 4 सांप अपने भारत देश के जहरीले हैं, जो अपने घरों के आसपास आते हैं, घर में आते हैं और लोगों को काटते भी हैं। उनमें से 3 सांप आपने देखे, लेकिन एक चौथा वाला सांप जो है स्वास्किड वाइपर स्नेक, इस सांप का वीडियो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, इसको देख करके आप इसे पहचान सकते हो, ये सांप हम दिखा नहीं सकते क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमें इसको रेस्क्यू का मौका नहीं मिलता। फोटो के माध्यम से इस सांप को आप देख कर समझ सकते हो, छोटा होता है लगभग, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास 1 फीट तक दिखाई देते हैं। तो ये सभी सांप भारत देश के जहरीले सांप है, तो इनसे कैसे बचना है हमें, अगर ये काटते हैं तो सीधा हॉस्पिटल के सिवा कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।